30 सालों की लगातार मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किए जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 6 महीने के बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के वो राज दिखाना शुरू कर दिए, जिसको आज से पहले सिर्फ सोचा ही जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। आज हम उन 5 फोटोज के बारे में भी जानेंगे जो जेम्स वेब ने कैप्चर करके नासा को भेजी थी। ये फोटोज हमें क्या मैसेज दे रही है और ये सब जानना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये सब इसमें जानेंगे। द मिस्ट्री की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला यह टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो यूनिवर्स में करोड़ों और वो साल पहले होने वाले वाकयात को देख सकेगा, और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का भी नाम दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और इस यूनिवर्स के पोशीदा राजों से कड़ी पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों और वो साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ वह यह टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा, यह टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम यह जान लें कि हमें चीजें कैसे नजर आती है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन की जाती है तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वह तमाम चीजें वहीं मौजूद थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट उन तमाम वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तब हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी हमारे किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइट जो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है उसको एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो जरा भी समय नहीं लगती, लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और अर्थ के बीच तकरीबन 384,000 किलोमीटर का दूरी है। सूरज की रोशनी चांद से टकरा कर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है, और यह रोशनी चांद से आंखों तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर या फिर लाइट आवर में मापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी दूरी तय करेगी उस दूरी को 1 लाइट आवर कहा जाता है, और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी दूरी तय करेगी उस दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में जो यह छोटा सा डॉट देख रहे हैं यहाँ है हमारा सोलर सिस्टम। यह मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है, यानी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुँचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10,00,000 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर इसको चांद पर रखा जाए तो वह अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। न सिर्फ इतना ही बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सी और स्टार हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हमारे तक पहुँचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट जो न ही हब्बल डिटेक्ट कर सकता है और न ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सी का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जब उनको स्पेस शटल में डाला जाए तो वह फोल्ड हो सकेगा, और स्पेस में एक खास मुकाम पर जाते ही उसके मिरर को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है इसी वजह से इसका स्पेस में ठंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मिरर वाली साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी तपिश न लगे इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज के अपोजिट साइड पर की गई है, जबकि इसकी बैक साइड पर सन शील्ड की 6 लेयर लगाई गई है। यह सब शील्ड खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की साइज जितनी फैल जाती है। यह सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसके खुलने के वक्त एक छोटी सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक ही पल में
ढेर हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया। जेम्स वेब को अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार किया गया है जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच सकती। नासा के एस्टीमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को यह टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंचा और मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपना काम शुरू भी कर दिया है। अब हम उन फोटोज के बारे में जानते हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले कुछ महीनों में कैप्चर की है। 12 जुलाई को नासा ने जेम्स वेब की पहली 5 पिक्चर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इमेज 1। नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फोटो में एक गैलेक्टिक क्लस्टर देखा जा सकता है। इस फोटो में आप जो चमकते हुए स्टार नुमा ऑब्जेक्ट्स नोटिस कर रहे हैं, यह असल में स्टार नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी है। इसी तरह जेम्स वेब की इस फोटो में ऐसी हजारों गैलेक्सी देखी जा सकती है। इनमें कुछ ऐसी गैलेक्सी भी मौजूद है जो अर्थ से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इस फोटो में मौजूद ब्लूएस्ट गैलेक्सी हमें बता रही है कि यह बहुत मैच्योर हो चुकी है और इसमें बहुत सारे स्टार और प्लैनेट्स मौजूद है। जो गैलेक्सी रेड शैडो दे रही है इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट है और इसके अंदर नए स्टार अभी तक बन रहे हैं। इमेज 2। दूसरी फोटो एक ऐसी नर्सरी की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर दूर है। करीना नेबुला के नाम से पहचाने जाने वाले इस नर्सरी के अंदर स्टार आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं और करीना नेबुला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की हजारों नर्सरियों में से सिर्फ एक नर्सरी है। इनमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी चट्टानों आप देख रहे हैं, यह असल में मिट्टी और गैस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। जिन दो हिस्सों में ज्यादा घनी गैसेज हैं, ये वह हिस्से हैं जहां पर नए स्टार जन्म ले रहे हैं। इमेज 3। तीसरी फोटो एक ऐसे स्टार की है जो आज से 2500 साल पहले टूट कर खत्म हो रहा था। इस फोटो में गैस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बबल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। इमेज 4। चौथा फोटो जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है जिसकी रेवोल्यूशन तकरीबन 150 मिलियन पिक्सल है। इस फोटो में 5 गैलेक्सी का एक क्लस्टर देखा जा सकता है जिसको स्टीफन क्वाइंट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सी बहुत तेज स्पीड से रोटेट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी होती जा रही है। इमेज 5। अर्थ से 1120 लाइट ईयर दूर जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट भी ढूंढा है जहां पर जिंदगी के आसार मौजूद है। ढूंढे जाने वाले इस प्लैनेट को वास्प नाइट 6b का नाम दिया गया है और जहां का एक दिन अर्थ के 3.5 दिन के बराबर होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान का बनाया हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। यह यूनिवर्स के उस कोने तक भी पास्ट में देख सकता है जहां हबल टेलीस्कोप नहीं देख सकता। उम्मीद है द मिस्ट्री की अभी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।